मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के हो रहे हैं 5 और आज हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। देख लीजिए, बाइक के साथ अपने गांव निकल रहे हैं और आज का जो अपना सफ़र है, जो ट्रिप है, 240 के किलोमीटर के करीब है। तो चलते हैं अभी। आप देख लीजिए, काफ़ी अंधेरा है क्योंकि अभी सुबह के 5 ही बज रहे हैं। तो अभी क्या है कि रास्ते में तो कोई, क्योंकि रास्ता कवर करना है, क्योंकि अब अंधेरा है तो अंधेरे में आप लोग को क्या ही दिखाएंगे। तो पहले हम मॉर्निंग होने का इंतजार करते हैं और जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे, फिर आप लोग को सुबह मिलते हैं। तो ठीक है, अभी आप लोग को हम सुबह मिलते हैं, जो भी सीन होगा पूरा सीन आप लोग को दिखाएंगे। तो फिलहाल गाइस, अभी हम हैं किसान पथ के रोड पे और ये जो रोड है जाके सीधे सुल्तानपुर वाले रोड पे अटैच हुआ है। और ये रोड जो सुल्तानपुर है बनारस के साइड जाता है, पर हमें जाना है आज जौनपुर के साइड, जो कि अपना गांव है उधर। और जाना इसलिए पड़ रहा है कि भाई थोड़ा सा उधर कुछ अपने फैमिली मेम्बर में ही जो हैं शादी वगैरह था, तो वही अटेंड करना था। ठीक है, अभी चलते हैं। और अभी रात है तो भाई रात में क्या ही आप लोग देखेंगे, तो ठीक है, अब सुबह का आप लोग सीन देखिएगा। फाइनली गाइस, यहाँ पे अभी हम थोड़ा रुके हैं रेस्ट करने के लिए। और यहाँ से अभी हम लोग ने 40 किलोमीटर हमने कवर कर चुका है, जो कि अभी यहाँ से 3 घंटे का और रास्ता दिखा रहा है। और ये है अपना क्या है कि जो पहला टोल टैक्स है, अभी मैंने ये एंटर किया है और अभी ऐसे टोल टैक्स 2-3 और पड़ेंगे। और ये देख लीजिए, ये है पूरी अपनी बाइक। और यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, अपना बैग वगैरह भी चेक करते रहते हैं। और देख लीजिए भाई, बाइक वाइक मैं इस बार और पहली बार मैं ये बैग वैग लेके जा रहा हूँ। इससे पहले छोटा सा 1-2 कपड़े रख के जहाँ जाना रहता था निकल लिया करता था। तो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे 200 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अभी यहाँ से 50-60 किलोमीटर और अपना जौनपुर बचा पड़ा है। तो ठीक है, अभी चलते हैं। क्या है कि अभी यार थोड़ा ठंड भी लग रहा है, क्योंकि ग्लव्स में लाया हूँ पर बैग में है, बैग में कहाँ है अब ये नहीं पता है। अब पूरा बैग खोलें, पूरा ग्लव्स निकालें, बड़ा दिक्कत होगा और टाइम वेस्ट भी होगा। इस वजह से अब थोड़े थोड़े धूप भी निकल रहे हैं, तो आगे चल के अब ठंडी भी नहीं लगेगी हाथों में। फिर भी उतना नहीं ठंड है जितना रहना चाहिए, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल गाइस, अपने गाड़ी में लग रहा है कि जो इसका एयर प्रेशर है टायर का, वो ज़्यादा हो गया है, जिससे कि गाड़ी ज़्यादा उछल रहा है। तो कहीं रुक के टायर भी चेक कराएंगे। अरे आगे आगे 30 रहेगा। कहाँ देखते हैं क्या वीडियो वीडियो हम लोग का जी सर। अरे गजब भैया, चलिए। नहीं, अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस, अभी क्या है कि जो हवा चेक कर रहे थे वो भैया अपने सब्सक्राइबर ही निकले, कह रहे हैं कि हम आपका वीडियो देखते हैं, आप जब ग्रुप के साथ निकले थे तब हम आपसे मिले थे। एक बार क्या है कि हम अपने इसी रोड से अपने ग्रुप वालों के साथ गए थे, तो हो सकता है भैया ने देखा हो या मिला हो। और क्या है कि हवा तो चेक करानी, तो क्या था कि हवा पूरा बराबर था, पर क्या है कि गाड़ी कंटिन्यू चल रहा था तो इससे प्रेशर इसका बढ़ गया था, जिससे कि टायर और बाइक ज़्यादा उछल रहा था, तो पता चला था, इसलिए मैं रुक गया चेक कराने के लिए। और क्या है भाई कि अभी सुबह का टाइम है भाई, रोड भी खाली है, तो इस वजह से स्पीड अच्छे से मेंटेन करके चल रहा है। और आप भी लोग अगर कहीं जाते हैं तो बीच बीच में हवा आप लोग जरूर चेक करा करिए, कभी काल होता है कम हो जाता है, कभी काल चलते चलते ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली गाइस, हम जौनपुर में आ चुके हैं, आपको सड़कों से पता चल ही रहा होगा जौनपुर के। और अभी ये जौनपुर का जो ब्रिज है, काफ़ी फेमस ब्रिज है। बचपन में भाई यहाँ पे हम लोग दादी के साथ आते थे कुछ वो पूजा वूजा करवाने, तो आप लोग देख लीजिए भाई, पहले से ये कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है। तो फिलहाल हम तो अपने जहाँ पे मुझे आना था, मैं जौनपुर में आ चुका हूँ, अब सीधे आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।